रीट पेपर लीक केस पर सियासी घमासान जारी है। आपको अभी तक का घटनाक्रम आपको बताते हैं। रीट पेपर लीक केस में एसओजी मास्टरमाइंड समेत 38 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अभी आशंका है कि इसमें कई और गिरफ्तारियां होंगी। सरकार बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर चुकी है, हाई लेवल कमेटी बना चुकी है, लेकिन बीजेपी रीट रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल आगे आखिर अब क्या होगा। ये पांच जो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, ये स्टेप्स जो लगातार बढ़ते गए, अब तक 38 की गिरफ्तारी, बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली बर्खास्त हो गए और बीजेपी की सीबीआई की जांच की मांग लगातार बुलंद होती जा रही। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जो जांच कर रही, लेकिन बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आगे आखिर होगा क्या। सरकार भर्ती को कंप्लीट करने के मूड में इस वक्त दिखाई दे रही, आवेदन मांगे गए हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अगर इसमें धांधली हुई है तो फिर इस भर्ती का मायने क्या है। तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों ने मेहनत की, उनके साथ अन्याय किया गया है और अब देखना है कि इस खींचतान के बीच में आगे कदम क्या बढ़ाती है सरकार। रीट पेपर लीक केस में अब तक जो गिरफ्तार हुई है, कार्रवाई हुई है, उस पर नजर अगर डालें तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बड़ी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि अब तक इस पूरे मामले पर जो बड़ी मछलियां हैं वहां तक हाथ नहीं डाला गया है। आपको एक एक करके मैं पूरी जानकारी यहां साझा करूंगा और बताऊंगा। देखिए, रीट पेपर लीक केस में अब तक 26 सितंबर 2021 को रीट का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में दोनों पारियों में अगर आप देखेंगे तो 26 लाख अभ्यर्थी उसमें गए थे और उन्होंने परीक्षा दी थी। उसके बाद उनको उम्मीद लगी थी कि अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं इसमें, उसके बाद उनकी जिंदगी सवर जाएगी और उनको सरकारी नौकरी शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद इस पूरे भर्ती मामले पर जिस तरीके से बवाल बढ़ता चला गया वो अपने आप में हैरान करने वाला था। हालांकि उसी दिन आपने देखा था एक मसला आया था, स्लीपर में बकायदा हाईटेक चप्पल तैयार करके नकल करने की तैयारी की गई थी और उस खबर के बाद एक एक करके कई जगहों से इस तरीके की खबरें आई, सरकार दबाव में आई, सरकार ने उस पूरे मामले पर एसओजी का गठन कर दिया और एसओजी के गठन के बाद एसओजी ने धीरे धीरे करके उन तमाम जो आरोपी थे उनकी गिरवान तक हाथ डालने की कोशिश की और गिरवान तक हाथ डालते डालते नौबत ये आ गई कि फिलहाल आपको बता दें कि डीपी जारोली की बर्खास्तगी तक मामला पहुंच गया। लेकिन अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों से लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही और सरकार बार बार कह रही है कि जो लोग दोषी हैं उनको फिलहाल हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल आपको बता दें कि